अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपनी YouTube की वीडियोस या फिर कोई भी वीडियोस होती हैं आप उनको कैसे जो है कंप्रेस कर सकते हैं अपने पीसी को यूज़ करते हुए। दोस्तों आप काफ़ी सारे टाइम जो है आप वीडियोस बनाते हैं मोबाइल पे रिकॉर्ड करते हैं या फिर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और जब आप उसको एडिट करते हैं तो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा हो जाता है। और अगर आप यूट्यूब की वीडियोज़ अपलोड करने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं एडिट कर रहे हैं उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आपको अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है हम अपनी वीडियोज़ को विदाउट लॉसिंग द वीडियो क्वालिटी हम कैसे जो है अपनी वीडियोस को छोटा साइज कर सकते हैं और बहुत ही इजीली जो है हम अपनी वीडियोस के साथ जो है ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अवेस और आप देख रहे हैं नॉलेज घर। अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे आप सब लोगों को। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को। अब दोस्तों इस मेथड को करने के लिए जो है मैंने एक वीडियो यूज़ की जो कि एग्जांपल के तौर पे मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। मैं आपको अब सबसे पहले जो इस वीडियो का साइज़ दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है आपको इस वीडियो का लेंथ दिखा देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट पता चल जाए कि ये वीडियो अभी कितनी है और जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तब इसका साइज़ क्या होगा, ठीक है, ताकि आपको प्रूफ भी मिल जाए। सिंपली इस वीडियो पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखें इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर हमें दिखा रहे 235 MB जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ है और इसको जो है हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर इसकी डिटेल्स पे क्लिक करें, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इसकी जो है इस वीडियो की लेंथ दिखा दूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 12 मिनट्स एंड 51 सेकंड जो है इस वीडियो की लेंथ है, तो काफ़ी छोटी लेंथ है और उसके बावजूद जो है इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अब हमने इसको कंप्रेस कैसे करना है, एक सॉफ्टवेयर में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जो कि WinXHD वीडियो कन्वर्टर डिलक्स के नाम से आपके PC में आता है। तो आपने इस सॉफ्टवेयर को सिंपली अपने PC में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है इसको तो ख़रीदना पड़ता है, ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होता, इसको तो क्रैक किया जाता है या फिर इसको ख़रीदना पड़ता है। तो यार आपको YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि WinXHD वीडियो कन्वर्टर डिलक्स को कैसे आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जो है मैंने इसको पहले से क्रैक किया हुआ था अपने पास, मैंने इसको पहले से क्रैक करके मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बट आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग को क्रैक करना है तो आप यूट्यूब पर जाकर सिंपली सर्च करेंगे हाउ टू क्रैक WinXHD वीडियो कन्वर्टर डिलक्स, तो आपको काफ़ी सारी जो वीडियोस मिल जाएगी जिनको आप देख के जो है अपने PC के अंदर WinXHD वीडियो कन्वर्टर को क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल आपने सिंपली इसको क्रिएट करके अपने PC के अंदर इंस्टॉल कर लेना और उसके बाद जो है आपने सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है तो आपके सामने जो है WinXHD वीडियो कन्वर्टर यहाँ पे ओपन होने लग जाएगा। तो हमारे सामने जो WinXHD वीडियो कन्वर्टर यहाँ पे ओपन हो गया, आपने सिंपली यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपके सामने आपको कहेगा कि आप अपनी फाइल को यहाँ पे लोड करें। तो आपने सिंपली जो है अपनी उस वीडियो को जो भी आपकी वीडियो होगी जिसका साइज़ आपको कंप्रेस करना होगा आपने सिंपली उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल वीडियो के नाम से वीडियो मैंने रखी हुई, ठीक है, इसको मैं सिंपली क्लिक करता हूँ इस पर और यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ओपन पर क्लिक करूँगा यहाँ पर जो है आपकी फाइल को यहाँ पर लोड करेगा और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपकी फाइल को यहाँ पर लोड करे और उसके बाद जो है आपको ऑप्शन दिखा देगा जिनके जरिए जो आप अपनी वीडियो को यहाँ पे कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लेने काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जिनके जरिए जो है आप अपनी वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जनरल प्रोफाइल टू म्यूज़िक एप्पल डिवाइस, आपने इनमें से किसी को नहीं छेड़ना, आपने सिंपली यूट्यूब वीडियो पे क्लिक कर देना है, ठीक है, यूट्यूब वीडियो पे और सिंपली यहाँ पे आपने MP4 रिकमेंडेड यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, आपने सिंपली इस पर डबल क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने अपनी वीडियो की लोकेशन डाल देनी है जहाँ पर आपकी कंप्रेस हुई भी वीडियो सेव होगी। तो मैं सिंपली डेस्कटॉप इसको लोकेशन दे रहा हूँ, ठीक है, और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपने सिंपली रन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सारी डिटेल्स दिखा देगा, स्टार्ट टाइम, ड्यूरेशन और यहाँ पे FPS फ्रेम पर सेकंड, एंड टाइम और करंट टाइम, रिमेनिंग टाइम, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो फाइनली जो है हमारी वीडियो की जो है कंप्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखा देगा ऑल जॉब्स हैव बीन कंप्लीटेड, आपने सिंपली यहाँ से ओके पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली वो विंडो क्लोज हो जाएगी तो आपके सामने जो आउटपुट फोल्डर यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन कर देगा। आपने यहाँ से भी सिंपली इसको क्लोज कर देना है, PC को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये जो है हमारी पहली वीडियो थी और अब जो है हमने इसको जो है कंप्रेस किया तो अब हमारी वीडियो जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गई एग्जाम्पल वीडियो 1 के नाम से, ठीक है, पहले एग्जाम्पल वीडियो थी और अब जो है एग्जाम्पल वीडियो 1 के नाम से यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई है।
अब सबसे पहले जो है आपको इन दोनों का साइज़ दिखा देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पे इसको ओपन ही रखते हैं, ठीक है। और इसकी भी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका साइज़ 235 MB और इसका साइज़ 25.8 MB, ठीक है। टोटल इतना सा साइज़ हो गया, ठीक है। आपको इसकी डिटेल्स दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये वही वीडियो। तो इसके लिए था, आप लोग देख लें 12:51 मिनट है और यहाँ पर इसकी लेंथ भी 12:51 मिनट ही है। और अब आप लोगों को जो है इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ कि इसमें इसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस आया है या नहीं। तो आप लोग सबसे पहले जो है इस न्यू वीडियो को देख लीजिए जो कि अभी जो है हमने क्रिएट किया, ठीक है। मैं सिंपली इसका साउंड जो है बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखें इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल वही क्वालिटी है जो कि उस वीडियो की, ठीक है। तो अब मैं आपको वो ओल्ड वीडियो दिखाता हूँ जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, तो आप लोग इसकी क्वालिटी देखें, इसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम क्वालिटी है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए ताकि मैं अपने चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है आप सब लोगों को। तो मिलता हूँ किसी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।